हेलो जी, सतनाम सतगुरु रविदास महाराज की जय। आप देख रहे हैं चमार बुलेटिन यूट्यूब चैनल में। आज हम हरिद्वार चंडी घाट गुरु रविदास महाराज जी के प्रतिमा के दर्शन कर रहे हैं, जो कि एक पावन गंगा के घाट पर रखी हुई है। बहुत सुंदर प्रतिमा है और इसको रखवाने में सुरेश राठौर जी का बहुत बड़ा अहम योगदान है। और एक बहुत अच्छी सुंदर जगह है, यहाँ देश से ऑल वर्ल्ड से लोग यहाँ आते हैं। दार्शनिक स्थल तो है ही हरिद्वार, तो बहुत बड़ा यहाँ पर एक कथा का आयोजन भी किया गया था उनके नेतृत्व में, और तभी यहाँ सतगुरु रविदास महाराज जी की प्रतिमा को स्थापित किया गया था। और साथ ही साथ इतना ही नहीं, गुरु रविदास जी के साथ में मीराबाई जी, जो भक्ति काल की भक्ति में अपने गुरु को समर्पित संत मीराबाई जी की भी साथ में, जब भक्ति की बात आती है तो मीरा का भी नाम सर्वोपरि सबसे पहले लिया जाता है। तो गुरु रविदास जी के साथ में, और ये वो गंगा का कंगन, जो गंगा का हाथ का वो एक निशान है, जिसमें महाराज जी के नाम से उस ब्राह्मण को गंगा मैया ने कंगन भेंट किया था। तो गंगा से गुरु रविदास महाराज जी का नाता है। शिव जी के सिर में गंगा रहती थी, लेकिन गुरु रविदास जी के चरणों में गंगा रहती थी, उनकी कटौती में। तो आप देख सकते हैं, एक बहुत अच्छी दुर्लभ जगह है, इसके पीछे बहुत बड़ी गंगा बह रही है। यहाँ जल्दी से कोई नहाता भी नहीं है। और सतगुरु रविदास महाराज जी को वैसे मानने वाले करोड़ों लोग इस देश में हैं, उनमें आस्था रखते हैं, उनके सत्संग जाते हैं, उनके नाम पर भंडारे करते हैं, क्योंकि संतों में शिरोमणि का खिताब सतगुरु रविदास महाराज जी को है, जिन्होंने संत परंपरा के शिरोमणि और संतों के सम्मान में महाराज जी ने बहुत सारी वडियाइयाँ उपमा की हैं। तो आप देख सकते हैं, ये घाट है, चंडी घाट इसको बोला जाता है, बहुत सुंदर घाट है। और ये सामने आप जो इधर देख रहे हैं, आपको भी दिखाता हूँ, ये हर की पौड़ी है वहाँ सामने, वो आप देख रहे हैं, वो हर की पौड़ी है बिल्कुल, जहाँ भाई साहब का इशारा है। वो उधर एक हिंदुओं का टेंपल है, मनसा देवी मंदिर। और ये इधर, यहाँ टूरिज्म तो है ही, बहुत सारी भीड़, अभी कावड़ का भी समय चल रहा है तो बहुत सारे लोग यहाँ आते हैं। ये फ्लाईओवर बना हुआ है बहुत अच्छा, इधर से नगीना बिजनौर जाता है ना रास्ता, इधर की तरफ जो है हाईवे, और वो उधर से नेशनल हाईवे आ रहा है दिल्ली से, दिल्ली रोड, लोग यहाँ आते हैं। देखो अभी ये भाई लोग यहाँ नहाएंगे, और बहुत अच्छा एक घाट है सुंदर, इसके दर्शन करने के लिए आप ज़रूर यहाँ आएँ। और गुरु रविदास जी का बढ़िया सुंदर इसको सजाया गया है, तो आप भारतीय संस्कृति, भारतीय कल्चर को देख सकते हैं। नमामि गंगे घाट, ये वो लिखा हुआ है ऊपर आगे से, नमामि गंगे चंडी घाट, और ये पीछे पहाड़ों के बीच से गंगा बह रही है, बहुत अच्छा सुंदर स्थान है। तो आज हम लोग आए थे इसीलिए दर्शन करने के लिए कि हम दिखाएं। अनुज भाई हमारे साथ में हैं, अनुज भाई हैं हमारे, महाराज रविदास जी के प्रचारक हैं, स्वामी समनदास जी के अनुयायी हैं। हमारे पुष्पेंद्र जी हैं चमारी खेड़ा आश्रम से, और महाराज राजकुमार दास ब्रह्मचारी जी के शिष्य हैं, और ये परविंदर भाई है, अपने मिशनरी हैं, स्वामी समनदास जी के अनुयायी हैं। तो हम सभी लोग साहेब सतगुरु रविदास महाराज जी के दर्शन करने वास्ते यहाँ आए थे, स्पेशल के अपने गुरु के दर्शन करके आए, क्योंकि मूर्तियाँ स्थापित करना, चौक चौराहे अपने महापुरुषों के नाम पर बनाना, इससे इतिहास लिखा जाता है और इतिहास में नाम दर्ज होता है, क्योंकि यही कार्य होते हैं करने के। सभी की सर्वसहमति से, सरकारों की अनुमति से, मंजूरी से ये सब कार्य किए गए। आप देख सकते हैं मीराबाई जी की भी कितनी अच्छी प्रतिमा यहाँ लगी हुई है, और ये कुंडी में गंगा गंगा मैया का हैंड का वो बना हुआ है। और यहाँ शाम संध्या का समय भी बहुत अच्छा होता है, अभी तो दोपहर का समय हो रहा है, थोड़ा गर्मी का टेम्परेचर भी हाई है, लोगों को पसीने आ रहे हैं। हमारे परविंदर भाई गर्मी से उथल पुथल होते हुए यहाँ पहुँचे हैं, लेकिन साहेब गुरु रविदास महाराज जी के नाम पर क्या कहना चाहेंगे सर आप यहाँ आए? जय गुरुदेव, धन गुरुदेव जी, मैं सभी सतनाम सतगुरु जी, सतनाम सतगुरु जी, मेरा सभी साथियों से
एवं भाई मित्र सैन रविदास जी का बहुत बहुत आभार, जो अपना कीमती समय निकाल करके यहाँ पहुँचे और इस मूर्ति को उजागर किया, जो संतों के शिरोमणि सतगुरु रविदास महाराज जी का एक घाट बना हुआ है हरिद्वार के अंदर। बड़ा ही भव्य, बड़ा ही सुचारू रूप से चलाने के लिए, है ना। सतनाम सतगुरु जी। लो भाई, सतनाम सतगुरु। जय गुरु रविदास, जय गुरु समनदास, जय गुरु ज्ञान पुष्पदास। ये एक बहुत ही सुंदर स्थल है और काफ़ी सालों से बना हुआ है और बहुत ही अनेक ही संगत यहाँ पर पहुँचती है। अब आगे सावन का मेला चल रहा है हरिद्वार में, तो बहुत दूर दूर से संगत आएगी यहाँ पर घूमने के लिए। और अभी भी आप देख रहे हैं घाट के चारों ओर पब्लिक घूम रही है काफ़ी दूर दूर से, और बहुत अच्छा मौसम होता है यहाँ पर, बहुत ही सुंदर नज़ारा है। मैं यहाँ पर कम से कम 6 महीने के बाद अब आया हूँ, उससे पहले कई बार आ चुका। यहाँ पर जो ज्वालापुर विधानसभा से विधायक रहे सुरेश राठौड़ जी, उन्होंने गुरु रविदास कथा का प्रोग्राम किया था और उसके बाद ये मूर्तियाँ यहीं पर स्थापित की गई थी और बहुत ही भव्य प्रोग्राम चला था। 10 दिन का प्रोग्राम चला था, उस प्रोग्राम में हम लोग आए थे, हमने देखा था वो प्रोग्राम। बहुत ही दूर दूर से पब्लिक आती थी यहाँ पर। सतनाम सतगुरु जी। आप बड़ी बात यह देखेंगे, यहाँ का जो वातावरण है एकदम साफ एंड स्वच्छ, स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत भी आता है। सरकार ने ये सभी जगह आदेश दिया हुआ है कि गंगा में आप पॉलीथीन न डालें, कचरा ना फैलाएं, साबुन से ना नहाएं, ताकि उसमें जो जीव रहते हैं वो नष्ट ना हो, उनको बचाएं, पर्यावरण बचाएं, पेड़ पौधे लगाएं, जिस वजह से हम लोग एक अच्छा वातावरण, अच्छा जीवन जीते हैं। आज जो बीमारियां फैल रही हैं वो इसलिए कि जगह जगह गंदगी इतनी बुरी फैल रही है और लोग नशा पत्ती की तरफ लगे हुए हैं। तो साफ सुथरा जीवन जिए और सफाई रखें, सफाई तो सबको पसंद है। और भाई घाट देखकर हमारा तो दिल गदगद हो गया, मज़े आ गए भाई, बहुत आनंददायक जगह है। खूब आओ, बैठो, लोटो, नहाओ, धो, बड़ा बढ़िया स्थान है। तो अच्छा लगा देख करके, अपने दोस्तों के साथ हमारे